एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बरेली के ब्लॉक भोजीपुरा में स्थित बुझिया सुमाली गांव पड़ा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 3 किलोमीटर तो वहीं जिला मुख्यालय से यह गांव 22 किलोमीटर दूर स्थित है। वर्तमान समय में ग्रामवासियों ने जयकुमार गंगवार को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी सौंपी है। लगभग 2750 की आबादी एवं 1110 वोटों वाला यह गाँव विकास के पथ पर अग्रसर है। गाँव में 288 राशन कार्ड धारक लाभार्थी है। बात अगर शिक्षा के स्तर की करें तो गाँव की प्राइमरी पाठशाला में लगभग 123 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वहीं गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 11 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिसमें से वर्तमान प्रधान द्वारा खराब हैंडपंपों को भी रिवोर कराया गया है। विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 44 विद्युत पोल, 3 विद्युत ट्रांसफार्मर व स्ट्रीट लाइट भी लगी हुई है। वहीं बात अगर विकास कार्यों की करें तो वर्तमान प्रधान द्वारा गाँव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, पानी निकासी के लिए नाली, पुलिया व प्राथमिक विद्यालय की बाउंड्री का निर्माण कराया गया है। साथ ही वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 50 इज्जत घरों का भी निर्माण कराया गया है। वहीं एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने सीसी टाइल्स रोड, खडंजा, पानी निकासी के लिए नाला, बारात घर, कब्रिस्तान, पंचायत घर, प्राथमिक विद्यालय की बाउंड्री, आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घर व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं ग्राम प्रधान जय कुमार गंगवार, विकास खंड भोजीपुरा, जिला बरेली, ग्राम पंचायत बुझिया सुमाली। हमारे गांव का मेन विकास खड़ंजा निर्माण, सीसी का निर्माण, शौचालयों का निर्माण, प्राथमिक विद्यालय की बाउंड्री और मेन इंदिरा आवास की डिमांड है। इसमें हमने कुछ सीसी, कुछ खड़ंजे, नालियों का निर्माण करा चुके हैं, एक पुलिया का निर्माण करा दिया है। हमारे गांव में बारात घर नहीं होने के कारण सबसे ज़्यादा ग्रामीणों को समस्या आ रही है, क्योंकि हमारी ग्राम पंचायत में पैसा बहुत कम आता है। सरकार से डिमांड हमने एक बारात घर, एक पंचायत घर की है। ग्राम पंचायत में शब्दाग्रह न होने के कारण भी ग्रामवासियों को बरसात के दिनों में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो सरकार से उम्मीद यही करते हैं कि कुछ धन जो आवश्यकताएं हैं, जो कार्य योजनाएं हम बना के भेजते हैं, उसके अनुसार ग्राम पंचायतों को दें। अगर ग्राम पंचायत छोटी है, पैसा कम आ रहा है और आवश्यकताएं उसकी उतनी ही हैं, तो कुछ सरकार को ग्राम पंचायतों में साधनों की जो कमी है कि बारात घर नहीं है, पंचायत घर नहीं है या वो नहीं है, तो उसके लिए अतिरिक्त धन भेजा जाए, ये हमारी अपेक्षा है उत्तर प्रदेश सरकार से तथा केंद्र सरकार से।